YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो आज हम फिर से एक स्नेक रेस्क्यू करने आए, तो नजरें थमा के रखिए, खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बहुत जल्द बताते हैं कौन सा सांप है, बने रहिए मेरे वीडियो में। कभी अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी भोजन की तलाश में घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि जहाँ इंसान बसता है वहाँ चूहा होगा और चूहे को खाने के लिए सांप अक्सर हमारे घर के अंदर आ जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की। तो हमारा प्रयास जारी है कन्या, अरे वीडियो और सबसे अंधविश्वास है कि लोग आप फोपाड़ी माते नाचे, यू देख आज बंदा फोपाड़ी भी नाचे गए देखो नाचिरो ने नाचो तो बाबा देखो 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 और खास तौर से 27-28 साल पुराना होने के बावजूद भी ये लग रहा किसी खाए पिए घर का, मतलब भरण पोषण बढ़िया भी दिखा आप सबरा सबरा उंदरा का है ओ माय गॉड। वो बोलते हैं कि सांप फन करने के बाद काटता नहीं, लेकिन काटने के लिए उसको फन उठाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितना ये जेब छोड़ गया। हे आप अरे दूध लाओ रे कोई सांप कभी दूध नहीं पीता है। विश्व का ऐसा कोई सांप नहीं जो दूध पिए। अगर सांप को दूध पिला दिया जबरदस्ती और सांप ने पी भी लिया तो सांप 12 या 8 घंटे के अंदर सांप मर जाएगा। हमने पावा क्यों सांप जीवन क्यों निकालता है बाहर, मैं आज बताता हूँ आपको। हाँ, क्योंकि सांप के कभी कान नहीं होते। सांप जीवन इसीलिए निकालता है कि आसपास का रेडियस से पता करता है कि मेरे पास क्या चीज है, पास में क्या है, दूर में क्या है, खाने की कहाँ चीज है। क्योंकि ये कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी भोजन की तलाश में घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि जहाँ इंसान बसता है वहाँ अनाज होता है और अनाज को खाने के लिए चूहा आता है। चूहे को खाने के लिए अक्सर ये हमारे घर के अंदर आ जाता है। इसकी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हो 27-28 साल पुराना इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। सर
बिना देरी किए हुए हम इसे पैक कर लेते हैं। छोड़ो चलो फाटू फिर लास्ट बार सब्र वीडियो भी देख लिया।